आज तक डीजी में मेरे पास है टेक्नो स्पार्क 8P 11,000 रुपए में फोन आता है और आज इसी का रिव्यू कर रहे हैं और जान रहे हैं कि 11,000 रुपए में टेक्नो का ये फोन लेने लायक है या नहीं। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई फोन जो है वो दिखने में कैसा है और इसकी जो इन हैंड फील है वो कैसी है। तो डिजाइन के मामले में आप अफोर्डेबल और मिड रेंज सेगमेंट फोन से बहुत ज्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट यहाँ पर टेक्नो ने इस फोन को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। सी इस बैक पैनल को जब आप देखोगे तो फोन आपको अच्छा लगेगा। प्लास्टिक बैक है ये, नीचे की तरफ इट्स लाइक मेटल फिनिश और ये स्ट्राइप्स है जो उसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देती है कंपेयर टू अदर फोन। ऊपर की तरफ ये ग्लॉसी फिनिश इन्होंने दी है एंड ये जो डिजाइन है ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छा लगता है। इसका वेट भी अराउंड 200 ग्राम्स है और थिकनेस 8.9 mm, सो बहुत हैवी नहीं है फोन। जो स्टैंडर्ड वेट और थिकनेस रहती है बजट रेंज में वही आपको यहाँ पर मिल रही है। एंड इन हैंड फील की बात करूँ तो वो भी अच्छी है। सिंगल हैंडेड यूजेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस फोन को यूज़ करने में। इजीली कंफर्टेबली आप इसको सिंगल हैंडेड एक हाथ से यूज़ कर सकते हो। बैक पैनल पर जो टेक्सचर्ड मेटल फिनिश है इसकी वजह से ना ग्रिप फोन को थोड़ी अच्छी मिल जाती है और फोन हाथ से फिसलता नहीं है। टेक्नो ने इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। आई वोंट से कि ये फास्टेस्ट है बट डज द जॉब, सो Nothing must to complain about when it comes to design and build quality. And अब बात करते हैं जल्दी से इस फोन के डिस्प्ले की। सो यहाँ पर है 6.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी प्लस रिजोल्यूशन के साथ ही आती है, विच इज गुड। देखने में डिसेंट एनफ डिस्प्ले लगती है। ब्राइटनेस भी यहाँ पर ठीक ठाक आती है। नॉर्मल डे टू डे यूजेज में आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फोन यूज करते हुए। अब बहुत ज्यादा पंची कलर्स आप यहाँ पर एक्सपेक्ट ना करो, वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। कलर टोन थोड़ा सा सॉफ्ट है, लाइक जैसा कलर रिप्रोडक्शन आप एक बजट फोन में एक्सपेक्ट करते हो, यू गेटिंग दैट। ये IPS LCD पैनल है जो कि टेक्नो ने इस में यूज किया है। AMOLED स्क्रीन नहीं है बट दैट्स नॉट अ डील ब्रेकर। सनलाइट लेजिबिलिटी की अगर बात करूं तो वो भी ठीक ठाक है। स्क्रीन घर से बाहर अगर आप जब निकलते हो फोन यूज करते हो तब इनफ विजिबिलिटी मिलती है आपको स्क्रीन पर, मतलब कोई इशू मैंने फेस नहीं किया है। ठीक ठाक ब्राइटनेस वहां पर भी है, सो आई वुड से इट्स अ डीसेंट डिस्प्ले टू हैव इन अ बजट स्मार्टफोन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैमरा। सो यहां पर है ट्रिपल कैमरा सेटअप। 50 MP का इन्होंने मेन कैमरा दिया, एक 2 MP का डेप्थ लेंस है एंड एक VGA कैमरा है। एंड VGA कैमरा जो है सिर्फ कैमरा काउंट बढ़ाने के लिए, इसके होने फिर ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो दैट। मेन सेंसर वैसे डे लाइट में डिसेंट इमेजेस क्लिक कर रहा है। हाँ, कलर्स जो है वो थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाता है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, बट ओवरऑल डे लाइट में इमेजेस जो है वो अच्छी आती हैं। डिटेल्स भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन लो लाइट में मतलब जैसा हर बजट रेंज में होता है फोन के साथ कैमरा थोड़ा सा स्ट्रगल करता है और ये प्रॉब्लम यू नो बजट फोन्स में आई जाती है। सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो 8 MP का एंड इट क्लिक्स डिसेंट सेल्फीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। एंड स्पार्क 8P में आपको मिल रहा है हेलियो G85। बजट फोन्स के लिए एक डिसेंट चिपसेट है, इवन दो थोड़ा पुराना हो गया बट इट वर्क्स वेल। G85 के साथ टेक्नो स्पार्क 8P डे टू डे यूजेज में मतलब ये फोन अच्छा काम करता है। अगर आपने सोशल मीडिया ऐप्स या फिर कुछ यूटिलिटी ऐप भी बैकग्राउंड में ओपन किए हुए तो भी फोन जो है वो स्लो नहीं पड़ता, इट वर्क्स फाइन जस्ट लाइक अदर बजट फोन्स। हाँ, गेमिंग या फिर हाई एंड मल्टीटास्किंग के लिए ये फोन नहीं बना है, सो कीप दिस इन माइंड। एंड्रॉइड 11 आपको इसके अलावा यहाँ पर मिल रहा है एंड सिंगल रैम वेरियंट है इस फोन में, 4 GB रैम आपको मिलती है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की है और इवन ड्यूरिंग मॉडरेट यूजेज मुझे 1.5 दिन का बैकअप इस फोन पे इजीली मिल गया। हैवी यूजेज में भी इजीली 1 दिन का बैकअप मिल जाएगा। इसके साथ आपको 18 W फास्ट चार्ज मिल रहा है एंड इट टेक्स अराउंड 1 hour टू चार्ज द फोन फ्रॉम 0 to 50%। वैसे USB टाइप सी पोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, इट्स माइक्रो USB पोर्ट, सो आप ये देखना है, ध्यान रखना। तो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 12,000 रुपये में आपको ये फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। सो बजट सेगमेंट काफ़ी क्राउडेड आई वुड से एंड रियलमी के भी कई फोन्स आपको यहाँ पर है। Narzo 50 A भी है, सी सीरीज के फोन्स भी, रेडमी 10 प्राइम भी है, यहाँ पे मोटो का G51 भी है। सो काफ़ी इंटेंस कॉम्पिटिशन है एंड ऐसे में स्पार्क 8 में आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है एंड फोन डे टू डे यूजेज में अच्छा परफॉर्म करता है।